वही अंदाज, वही लुक, वही गेटअप और वही राहुल। बीते दो ढाई साल से जनता के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी तरह पहुंचते हैं। यही अंदाज उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है और शायद इस बार ये लोकप्रियता पार्टी के परफॉर्मेंस का मिरर रिफ्लेक्शन बनकर सामने। चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी सामने आए, माइक पकड़ा और देश की जनता को धन्यवाद देने के साथ साथ उन मुद्दों को फिर से उठाया जिसे वो पूरे चुनावी कैंपेन में उठाकर दिखेंगे, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश का संविधान। लड़ाई संविधान को बचाने की थी। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। यह कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका, मां सोनिया और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे थे। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चुनाव नतीजे को जनता का मैंडेट बताया और इसे पीएम मोदी के खिलाफ जनादेश बता दिया। ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है। हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। हालांकि बात इंडिया अलायंस के आर फैक्टर की हो रही है। सोचिए, ये वही राहुल गांधी है जिसे बीजेपी ने बार बार नॉन सीरियस कहा। बीजेपी की आईटी सेल ने एक खास नाम देकर उनके साथ जोड़े रखा, जो कांग्रेस पार्टी दो बार लोकसभा में नेता विपक्ष के पद के लिए जूझती दिखी। उन राहुल गांधी की लीडरशिप में इंडिया अलायंस ने दमदार परफॉर्मेंस किया, 28 दलों का गुट साथ आया और फिर कांग्रेस ने कई हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को टक्कर दी, अपना वोट बैंक थोड़ा स्टैब्लिश किया और कांग्रेस की सीट का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले डबल के पास पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। साथी दल तो पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटेजी अलग कैसे थी? जवाब है कांग्रेस का ग्राउंड करेक्ट। इस बार कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। राहुल गांधी की दो यात्राएं, भारत जोड़ो और न्याय यात्रा का पार्टी को फायदा मिला। पहले विधानसभा चुनाव में हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की जीत ने कांग्रेस को रिवाइव होने का मौका दिया। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में सबको साथ लेकर चलने वाली रणनीति को आखिरी दम तक बनाए रखा। और तो और, इस बार कांग्रेस ने ये नहीं दिखाया कि वो ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले चुनाव में बिग ब्रदर के रोल में है। कांग्रेस पार्टी ने सभी साथियों का सम्मान किया, उसी हिसाब से सीटें भी शेयर की। इसी का नतीजा रहा कि जिस इंडिया अलायंस को एग्जिट पोल दूर दूर तक फाइट में नहीं दिखा रहे थे, वो इंडिया अलायंस जनता के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा। कांग्रेस ने यूपी में एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश लगाया। इसका नतीजा ये रहा कि यूपी में कांग्रेस ने अपना किला तो बचाया, सीटें भी बढ़ाई। और तो स्मृति ईरानी को अमेठी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। मेरे को जो टिकट भी दिया तो गांधी परिवार ने दिया, मेरे पे विश्वास किया और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ। जहाँ तक कांग्रेस की स्ट्रेटेजी का सवाल है, तो वो सिर्फ इंडिया अलायंस के इर्द गिर्द नहीं रहे, बल्कि इस बार राहुल गांधी ने एक परिपक्व नेता के तौर पर उन मुद्दों को उठाया जिनसे जनता जुड़ी, खुद को कनेक्ट किया। राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में नौकरी, महंगाई का इशू रेस किया। राहुल गांधी ने बार बार जनता को ये मैसेज दिया कि वर्तमान सरकार सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने जनता के बीच आरक्षण और संविधान का मुद्दा लगातार उठाया। राहुल बोलते रहे कि उनकी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएगी।
राहुल गांधी ने सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात की। शायद ये भी कई लोगों को पसंद आया। बड़ी बात ये भी थी कि हर बार चुनाव राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा करने से बची। कांग्रेस ने इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ बेरोजगारी और महंगाई पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां कांग्रेस सीधे मुकाबले में थी वहां अच्छा परफॉर्म किया, जैसे राजस्थान में, और जहां पार्टनर के साथ वहां अपना वोट भी ट्रांसफर करवाया। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जनता का इमोशन जुड़ा, जो वोटों और सीटों में तब्दील भी हुआ। बातचीत हुई नहीं, बातचीत करने की उम्मीद है। मेरी बातचीत खाली दो लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेश देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और जिस तरह से आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का गैर जैसे उन्होंने किया, वो गलत था। बीजेपी को इस बार साउथ से बड़ी उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि जो डेंट नॉर्थ में पहुंच सकता है उसकी भरपाई साउथ से हो जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके वाले अलायंस ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्रयास था कि कोई भी राजनैतिक दल ये चुनाव लड़ नहीं सके। कांग्रेस के अकाउंट बंद करने का काम किया, विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डालने का काम किया, लगातार नेताओं को विपक्ष के परेशान करने का काम किया, लेकिन ये सारी कठिनाइयों के बावजूद मतदाताओं ने सोच समझकर वोट डाला। इंडिया अलायंस में राम वाले फैक्टर में एम मतलब ममता बनर्जी। बीजेपी को बंगाल से बहुत उम्मीद थी। बंगाल में बीजेपी ने जमकर प्रचार भी किया, प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां। बीजेपी को लगता था कि अगर नॉर्थ में कुछ गड़बड़ होती है तो इस बार बंगाल से कवर कर लेंगे। खासकर संदेश खाली के बाद सियासी माहौल और बदला। बीजेपी दावा कर रही थी कि इस बार बंगाल में 30 के पार, लेकिन स्विंग स्टेट वाले बंगाल ने इस बार ममता की झोली सीटों से भर दी। दीदी को पिछले चुनाव में 22 सीटें दी थी, इस बार ये आंकड़ा 30 के पास दिखाई दिया। चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी सामने आई, बताया कि जनता का मैसेज किसके सपोर्ट में था और किसकी सियासत के खिलाफ। इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया, हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में। इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। कहते हैं सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन, और राजनीति तो है ही संभावनाओं का खेल। अब सवाल है कि इस नतीजे के बाद देश की जनता के बीच मैसेज क्या गया? क्या 400 पार की दहाड़ मारने वाले बीजेपी ड्राइंग बोर्ड पर लौटेगी? क्या आत्मचिंतन का वक्त है या फिर सियासी दावपेच का दौर लौटने वाला है? जो भी, एबीपी न्यूज पर आपको सब पता चलता रहेगा।